आपके पास आ जाता हूं। आपकी बात भी अधूरी रह गई थी और सवाल अभी भी वही बरकरार है, चूंकि कार्रवाई की बात तो आप लोग कहते हैं, आप ये भी बार बार दोहरा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सख्त हैं इसको लेकर के, लेकिन रुक नहीं रहा है तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, कहां कमी रह जा रही है, क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? गौरी शर्मा जी, जब भी कोई घटना होती है, घटना कोई पहले से तैयार होकर नहीं, कोई एक्चुअली जो लोग आज इस गंदा को अंजाम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन दलों से लोग जुड़े थे, कि जो जिनका नाम अभी ऋषि शर्मा का नाम ले रहे थे वो सब इन्हीं के लोग हैं। तो आजाद पार्टी में रहे, बसपा में रहे, हमारे दल में कोई इनको कोई पद नहीं दिया गया, ना इनको कोई चुनाव लड़ाया गया। दूसरी बात है, इन्होंने अभी एक आरोप लगाया कि महामारी में लोग जा रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने सबसे पहले जो भारत में वैक्सीन बनी है उसी का विरोध किया है, और आज गांव-गांव में इनके कार्यकर्ता उस माहौल को खराब करने में लगे हैं, क्योंकि ये बड़ी महामारी बीमारी है, उस बीमारी को रोकने के लिए एकमात्र ही एक उपाय है कि वैक्सीन लगाकर उसको रोका जा सकता है, लेकिन इनके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके कार्यकर्ता गांव-गांव में अफवाह फैलाएंगे, उसका दुष्प्रचार करेंगे, तो निश्चित रूप से गांव का माहौल खराब हो रहा है। तो गांव के माहौल खराब कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं कि जिससे गांव में घटना हो, गांव में अपराध बढ़े, जिससे भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी कोई गंदा की है इनके द्वारा कार्रवाई होती है। इसी तरह आप पार्टी के संजय सिंह हमेशा उत्तर प्रदेश में आते हैं, कोई ना कोई जहर फैला के चले जाते हैं। आज दिल्ली में क्या हाल है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार रही, उस पर शर्मनाक है विधायक जी, आपका बयान बहुत शर्मनाक है। नहीं बिल्कुल, अखिलेश यादव ने सबसे पहले वैक्सीन का विरोध किया था, नहीं किया था, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बीमारी का एक ही उपाय है वैक्सीन लगवाना, का विरोध आपके अखिलेश जी का है। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में कलोरी फहरा रहे, आपका नहीं है, और दिल्ली का क्या माहौल है ये छुपानी है। लेकिन पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, कोई भी घटना घटती है, कोई हादसा होता है, तुरंत तुरंत पहुंचते, सुन लीजिएगा, पहले सुनना सीखो। मुख्यमंत्री हर जिले में सभी मुख्यमंत्री सभी दलों के लोग घर में दुखी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे निकलते हैं और हर जिले का दौरा कर रहे हैं, और कैसे देश की उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखा जा सकते, कैसे अधिकारियों से काम कराया जा सकते। नहीं नहीं ठीक है, देखिए गौरी शंकर जी, कोविड को लेकर के आप प्रबंधन करिए, उसको लेकर के विपक्ष से बहुत सवाल है, एतराज है, विपक्ष का काम है इन स्थितियों को दिखाना, और विपक्ष बता रहा है आपको, लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जहरीली शराब पर ही रहते हैं, चूंकि इस पर भी अंकुश लगाना आपकी जिम्मेदारी है, और आपने ये कहा कि घटनाएं बताकर नहीं होती, तो घटनाएं तो किसी के शासनकाल में बताकर नहीं होती गौरी शंकर जी, लेकिन उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंटिव करने के लिए आपके पास पूरा एक प्रशासनिक अमला होता है, अधिकारियों पर जो सिर्फ कार्रवाई है 25 मौत के बाद, 30 मौत के बाद अगर आप करेंगे तो उसके अलावा इससे आगे बढ़ते हुए आप क्या बता सकते हैं प्रदेश की जनता को? क्या आप 25 लोगों की मौत के बाद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर देने से ये पूरा नक्सस तोड़ पाएंगे आप? प्लान क्या है इसको तोड़ने का? नहीं, मस्जिद जांच के आदेश भी दे दिए गए, जो भी उसमें दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे भटके ये हैं, इन्होंने मीडिया पे आरोप लगाया कि सही घटना नहीं दिखाते हैं, सही मौत नहीं बताते हैं, इन्होंने लगाया कि महामारी में लोग जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस मुद्दे को छेड़ा है कि वैक्सीन। ठीक है, चलिए अब्बास हैदर जी, मैं गौरी शंकर जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, कि इन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो इसमें दोषी तो सरकार है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को भी नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, ये एक कहावत कही जाती है गांव में, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, जब सारी घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद इनके मुख्यमंत्री जी एक्टिव होते हैं, फिर बड़ी बड़ी खबरें चलने लगती है कि मुख्यमंत्री एक्शन मोड में। अब्बास जी, मुझे ये राजनीति बिल्कुल कभी मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, चूंकि आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछूंगा कि कई प्रदेश के अंदर आप भी सरकार चलाते हैं, पंजाब का अगर मैं यहाँ पर जिक्र करने बैठ जाऊं तो नशा वहां पर इतना ज्यादा है, वहां के मुख्यमंत्री को सस्पेंड करवा दीजिए आप लोग। भाई, मुख्यमंत्री का काम निर्देशित करने का है ना, मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि आप कार्रवाई करिए, वो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई में कहां पर दिक्कत है वो आप बता सकते हैं, ये कहना कि सरकार को ही हटा दीजिए या इन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए, इससे तो काम नहीं चलेगा ना अब्बास जी, ये राजनीति क्यों करते हैं? राजस्थान में जहरीली शराब से मौत हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है,
पंजाब के अंदर नशा है इतना, बताइए वहाँ के मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर दिया क्या आपने? अब्बास जी, मसले को लेकर के जी, जहाँ पे जो घटना होती है बिल्कुल मंत्री बदले जाते हैं, जिम्मेदारी है। यहाँ पे तो आबकारी मंत्री को जिम्मेदारी देकर के इस्तीफा देना चाहिए। गौरी शंकर जी इतनी बात तो मान रहे हैं कि उनकी पार्टी ने उनसे पद नहीं दिया था, लेकिन इनकी पार्टी का सदस्य था, तो जब इनकी पार्टी का नेता सम्मिलित था, व्यक्ति इनकी पार्टी का वो था, ये खुद ही इन्होंने ये बात कही अभी, तो इनकी पार्टी का नेता सम्मिलित, हम कैसे माने कि निष्पक्ष जांच होगी जब आपकी पार्टी के व्यक्ति, आज देखिए आज पार्टी के सदस्य है, मोदी जी कहां पार्टी के सदस्य है? अरे मोबाइल में सदस्यता कोई ले ले, आपके 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके मुख्यमंत्री सदस्यता ले ले, संजय सिंह सदस्य है, मोबाइल में सदस्य है, सदस्यता मानेंगे हम तो सदस्य उसको जब मानेंगे तब हम आपके सदस्य मानेंगे। आपके सदस्य सब फर्जी है, नहीं नहीं गौरी शंकर जी, ऐसे तो भाई वो सदस्यता बंद कर दीजिए जो आप फोन करके या फिर मैसेज के जरिए ले सकते हैं, ये मत कहिए। हाँ ठीक है, अगर आपकी पार्टी में भी है तो कार्रवाई सुनिश्चित करवा दीजिए गौरी शंकर जी, मुझे लगता है कि विपक्ष को जवाब मिल जाएगा। जितेंद्र जी आज जो बात आप कह रहे हैं वही बात तो वो पलट के आपसे कह रहे हैं कि एक तो देखिए जो लोग हैं वो पहले ही फले फूले हैं, यानी कि वो अपने शासनकाल में तो भले ही उनको ना फलने फूलने दे रहे हो लेकिन आपके समय में बहुत फले फूले थे, इसलिए वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जितेंद्र जी जवाब दें इसका। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का बहाना अच्छा है, सरकार में बैठे हुए हैं, नकली इंजेक्शन अगर पकड़ा जाए बाजार में तो उसके पीछे भाजपा का नेता आता है, ऑक्सीजन ब्लैक में बेची जाए तो भाजपा का नेता आगे आता है, ऑक्सीजन के अलावा सैनिटाइजर मास्क अगर ब्लैक में बेचा जाए, महंगी कीमतों बेचा जाए तो इन्हीं का ठेकेदार भाजपा का नेता निकलता है, तो ये तो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाली बात है। और शर्मनाक पे शर्मनाक बयान देने से भारतीय जनता पार्टी का भला नहीं होने वाला है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए। डीएम का प्रशासन डीएम के हाथ में होता है, एसपी पर कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरह से प्रशासन वहां पर मॉनिटरिंग कर रहा था, इन्होंने नहीं की, इन्हें आबकारी मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए, इन्होंने नहीं की। केवल मैंने कहा ना लगातार मॉनिटरिंग न करने का नतीजा है। अब बताइए ये तो कह सकते हैं ना कि लाशें गंगा में तैर रही हैं बेचारे मोदी जी और योगी जी को बदनाम करने की, अरे सोचो कितने शर्म की बात है, लाखों लोग मर गए हैं, इनके सरकारी आंकड़ा भले हजारों में हो, गांव में चले जाइए 2 लाख के ऊपर लोग उत्तर प्रदेश में मर गए हैं, जबकि ये देश ही दिखा रहे हैं कि 3.5 लाख लोग मरे हैं, झूठा आंकड़ा है इनका, लोग मर जा रहे हैं, जांच ही नहीं हो पा रही कोरोना से, ना तो ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना बेड मिल पा रहा है, ना ही दवाएं मिल पा रही है, अस्पताल में बताओ विधायकों को तो बेड नहीं मिल पाया, केंद्रीय मंत्री ट्वीट करते हैं तो भी उनके रिश्तेदार को बेड नहीं मिल पाता है। जहरीली शराब को लेकर के स्पेसिफिक तो अव्यवस्था है ना इनकी सरकार में, तो जहरीली शराब को आप बनने से रोकिए ना, लगातार प्रशासन को आप भेजिए, प्रशासन भाई हमने एम्बुलेंस के अलावा 100 नंबर भी तो दी थी, 100 नंबर की पुलिस किस लिए दी थी, रात में भी मॉनिटरिंग करे, वो गाड़ी लगातार क्षेत्र में दौरा करती है, लेकिन इनकी सरकार में ड्राइवरों को पेमेंट ही नहीं दे रहे हैं, कहीं डीजल नहीं है गाड़ी के लिए, गाड़ियां खराब खड़ी हुई है, उनका मेंटेनेंस नहीं करा रहे, तो पुलिस से रात में मॉनिटरिंग कराइए, दिन में भी मॉनिटरिंग कराइए, अलग अलग आपके पास ड्यूटी के लिए सिपाही हैं उनको भेजिए, जब वो ऐसी संदिग्ध जगहों पर जाए जहां पर ऐसे काम लोग कर लेते हैं तो उनको पहले से अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन नहीं करते हैं ये, क्योंकि मिली भगत है, जब मिली भगत किसी काम में आपकी होगी, कहीं पर आपका कोई हिस्सा होगा, आपके नेताओं का, आपके अधिकारियों का, तब तो मर जाने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ ये घटना हो गई, उसके पहले तो आप उसे नहीं रोक पाओगे। जाहिर सी बात है इसमें इनके लोग सम्मिलित है, अधिकारी सम्मिलित है, सबका हिस्सा है, तभी हमारी सरकार में इतनी घटनाएं नहीं हुई, छुटपुट घटनाएं हमारी सरकार में हुई, लेकिन इनकी सरकार में 550 लोग, ये उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसमें जहरीली शराब से इतनी ज्यादा मौतें हुई। अभी विधायक जी कह रहे थे कि अखिलेश जी ने वैक्सीन का विरोध किया, अखिलेश जी ने कहा पहले गरीबों को वैक्सीन मिले, आम जनता को वैक्सीन मिले, उनके कहने का गलत मतलब ये लोग निकालते रहते, उन्होंने कहा हम भी लगवाएंगे लेकिन पहले जनता को मिलना जरूरी है, नेता लोग बाद में लगवा लेंगे, लेकिन आम पब्लिक को वैक्सीन नहीं मिल रही, आज वैक्सीन खत्म हो गई, जहरीली शराब से भी मरे लोग, इस तरीके से इतना क्लियरली अगर बोला होता अखिलेश यादव जी ने तो शायद गौरी शंकर वर्मा जी को ये मौका ही नहीं मिलता कहने का, उन्होंने तो कहा था कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। चलिए वो विषय अलग हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा उसके ऊपर। चलिए ठीक है, नदीम जी मैं आपके पास आता हूँ, आपको एतराज था गौरी शंकर जी की बात पर? जी जी, बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही दुखद
विधायक गौरी शंकर जी का बयान था, उनकी जितना 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 सरकार के प्रति उनकी जवाबदेही है उससे ज़्यादा उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता ने आपके हाथ में सत्ता सौंपी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों पर आप कंट्रोल करें। किसी शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि कुर्सी है तुम्हारी ये अर्थी तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये अर्थी तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आपको जिम्मेदारी जनता ने दी है, आप पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया उनको उसका जनता ने उसको उनका जवाब दे दिया है, उनको सत्ता से बाहर कर दिया है। आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि 2022 में आपको भी जनता रुख्सत कर देगी। अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपकी जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति, अगर ये जो मौतें हो रही हैं, जो लाशें गिर रही हैं, जो गरीबों के घर में खाने को नहीं है, जो इलाज नहीं मिल रहा है, जो उनको भोजन नहीं मिल रहा है, इसकी जवाबदेही आपकी है। सरकार आपको बनाया है जनता ने, और आप दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। बहुत ही दुखद, बहुत ही अफसोसनाक है। आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, वरना अगर आप नहीं छोड़ेंगे सत्ता को तो जनता आपको सत्ता से बाहर कर देगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ कीजिए, जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, जनता की जवाबदेही को आप रखिए। हमारा काम सवाल उठाना है, हम चाहते हैं कि आप सही ढंग से कार्य करें और जनता के प्रति जवाबदेही रखें। आप ऐसे उससे भाग नहीं सकते हैं। गौरी शंकर जी जवाब दीजिए। बिल्कुल नदीम जी, आज विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं कि जिन्होंने इन जो लाज शब्दों में कहा है कि जिम्मेदारी हमारी है, हम पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने के लिए सतर्क हैं और उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी और सभी उत्तर प्रदेश के मंत्री इस काम में लगे हैं कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए। राज्य की मेडिकल हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वहाँ सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए वो जो अलीगढ़ की घटना जो हुई है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए निश्चित जांच बैठाई गई है और उन अधिकारियों को निश्चित दंडित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लेकिन गौरी शंकर वर्मा जी, इससे पहले भी तो कई घटनाक्रम में आप लोगों ने जांच बैठाई। स्पेसिफिक मैं केवल शराब कांड का ही जिक्र कर रहा हूं, क्या हुआ है उसमें, और अगर उसका कोई ऐसा असर हुआ होता, इम्पैक्टफुल होता, तो मुझे लगता है कि 25 लोग यहाँ भी जान नहीं गंवाते। सवाल इस बात का ना कि आबकारी विभाग आबकारी अधिकारी को सिर्फ सस्पेंड कर देने से काम नहीं चलेगा। गौरी शंकर जी, एक भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाता है योगी सरकार में। योगी जी चाहे उनका खुद का आदमी हो, चाहे पराया आदमी हो, दल का हो, बाहर का हो, योगी जी किसी को नहीं बख्शते। अगर वो जुर्म करता है तो उसको दिलाते हैं। पहली बात, दूसरी बात, इन्होंने ये घटना की होगी, अगर किसी की साजिश होगी, चाहे वो मेरा आदमी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो बसपा का पार्टी आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसी घटनाओं पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित विचार कर रहे हैं और ऐसी घटनाओं पे अंकुश लगाएंगे। आज हमारी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित भी रखना, जनता उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार भी देना, उत्तर प्रदेश जनता को आज खाद्यान्न देना, उनको सुविधाएं देना, उनको पानी देना, उनको सड़कें देना, उनको बिजली 24 घंटा देना। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस महामारी में भी ये सब काम कर रहे हैं, इनको इनको ये सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जिस तरह प्रवक्ता वार्ता रख रहे थे, इनको लज्जित होना चाहिए कि इनकी 5 साल की सरकार में जो इन्होंने किया है उसी का परिणाम है कि आज हम 303 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में है। इसलिए इनको अपनी बात तो कहना ही नहीं चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश एक भी नेता अगर भ्रष्टाचार है तो इसकी सजा। गौरी शंकर जी, उसके साथ आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि उससे पहले इनकी ही सरकार थी यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर, और ये भी प्रचंड बहुमत के साथ ही सरकार बना करके आए थे, और अब आपको भी 5 साल लगभग होने को आ रहा है, चुनाव में आपको भी जाना है। जो बात ये कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि भारी पड़े, इसलिए मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे इसको रोकेंगे, प्रभावी कार्रवाई क्या करेंगे, इसको लेकर के जनता को भरोसे में लेना होगा। जनता कैसे भरोसा करे कि अगली बार पुनरावृत्ति नहीं होगी इस तरीके की घटनाओं की, क्योंकि इससे पहले भी हुई थी, उस समय भी आप लोगों ने यही कहा था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने इसके जांच के भी आदेश दिए हैं, लेकिन घटना तो हुई ना, 25 लोगों ने जान गंवा दी। इंश्योर कैसे करेंगे, आश्वस्त कैसे हो जनता प्रदेश की, इसके लिए पूरी सतर्कता के साथ सरकार काम कर रही है। लेकिन जो अपराधी हैं, जो अपराधी दब गए थे या जेलों में चले गए थे या प्रदेश छोड़े भाग गए थे, वो चुनाव आते और प्रदेश में वो आ रहे हैं, उनकी की जा रही है, उन अपराधियों को ढूंढ रहा है,
क्योंकि अपने वो घटनाएं कर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन सबकी छटनी करेंगे और अगर कोई अपराधी कोई घटना बढ़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब्बास हैदर जी, चाहे नेता हो या चाहे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ शख्स हो या फिर कोई अधिकारी हो, बख्शा नहीं जाएगा, जांच हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है। और अभी एक दो दिन में कैबिनेट में शायद फेरबदल है, तो उसी समय जो है सरकार को जो है दिखा देना चाहिए कि किसको नहीं बख्शा जा रहा है। मुझे पूरी आशा है कि उन सब मंत्रियों, दागी मंत्रियों को ये अपने मंत्रिमंडल से हटा देंगे जिन पे ऐसे आरोप लगे कि कोई अपने भाई की भर्ती चला रहा है। तो कोई आपके कहने से इत्या नहीं होगा, आपके कहने से इत्या। मैं चाहता हूँ कि शंकर जी जैसे साफ छवि के लोग आए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके विधायक जो है खुद अपने बच्चे के लिए FIR लिखवाने के लिए दर बदर भटक रहे महीनों से। आप गौरी शंकर जी भी जब यहाँ से हटेंगे तो खुद ही कहेंगे कि भाई बहुत दुखी है इस सरकार से, मुझे पूरी ये बात पता है। निधि बंद कर दिए सारे विधायक, दुखी सरकार जो है सिर्फ भ्रमित करने का काम करती है। अभी ये कहेंगे कि हमारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा वैक्सीनेट कर दिया हमने, जबकि आंकड़ा ये है कि प्रति 10 लाख व्यक्ति सिर्फ 980 लोगों को वैक्सीनेट किया इन्होंने, 23 तारीख की बात बता रहा हूँ, जबकि आपने माहौल खराब किया। आपने माहौल खराब किया। अब जनता वैक्सीन लगवा रही है, जनता ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया है, गांव-गांव में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, हर गांव में लोग जा रहे हैं, हर गांव में वैक्सीन जा रही है, हर गांव की समितियां काम कर रही हैं। एक मॉडल ना बन जाए, हमारे लिए कर्म का बायस ना हो जाए कि पूरा विश्व हमें इस तरफ से देखे कि इतनी अव्यवस्थित सरकार भी कोई हो सकती है। वो तो अरे गौरी शंकर जी, देखिए कोई राजनीतिक पार्टी किसी के कहने से कुछ नहीं करती। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मौका है आपके पास, आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। भाई दिखाने का मौका है, आपका मन है, आप दिखाइए मत दिखाइए। जितेंद्र जी, एक कमेंट आपका। इवेंट करना आता है, बेचारे परेशान है, वो अपने पार्टी बात रख रहे हैं, बिना कैमरे के अगर अलग ले जाके उसे पूछ लो तो खपा के रो पड़ेंगे। इतनी व्यवस्था खराब है, भाजपा के नेताओं की सुनी नहीं जा रही है, विधायक सांसद अपने बच्चों तक का इलाज नहीं करा पा रहे हैं हॉस्पिटल में। अभी हमारे हरदोई के संडीनस विधायक है राजकुमार अग्रवाल राजिया जी, अपने पुत्र की उनकी डेथ हो गई अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से, वो उस पर एक FIR दर्ज कराने के लिए एक महीने से भटक रहे हैं। अब बताओ, इसी सरकार है, इसी मुख्यमंत्री है जब विधायक के लिए को न्याय नहीं दे पा रहे, आम जनता को न्याय कैसे देंगे? भाई जो लोग मरे हैं अभी जहरीली शराब से आपने नहीं बचा पाए, ठीक है, आगे से मॉनिटरिंग कराएंगे आप, आगे से ऐसी घटना ना हो इसके लिए मॉनिटरिंग कराएंगे आप। आप ऐसे लोगों को आप अभी से धरपकड़ करके जेल भेज देंगे जिससे वो कच्ची शराब बना ही ना पाए? अगर DMSP से दोषी हो क्या आप उनको जेल भेजेंगे? आप उनको जेल भेजिए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दीजिए। जितनी मौतें हुई हैं आपका आपकी सरकार में जहरीली शराब से, और उनको मुआवजा भी दीजिए उनके परिवारों को, क्योंकि ये अव्यवस्था तो सरकार के रहते हुए ऐसे लोग बढ़े जो लोग ये काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? वो गरीब लोग जो शराब पी के मर गए, या वो लोग जो उसको बनाते हैं पैसा कमाने के लिए? तो ऐसे लोगों को पनिश नहीं करोगे अगर आप समय रहते, और ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आप शुरुआत से देख लीजिए लगातार लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं और रुक नहीं रहा है सिलसिला। एक दो का तो कहीं आता ही नहीं, वो तो अमर उजाला हिंदुस्तान दैनिक जागरण छप जाता है, आप जैसे बड़े बड़े चैनल या नेशनल चैनल नहीं पकड़ पा रहे हैं। एक आज एक दो मर गए, जो जब संख्या बड़ी आती है 10, 15, 20, 25, 30, 50 तब लगता है कि हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल जितेंद्र जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मौत चाहे एक हो या 25 हो, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की, और सरकार को यह सुनिश्चित करना ही होगा कि आगे से इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी जो दावे वो कर रही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि मौत का यह जाम आखिर कब इस पर अंकुश लगा पाएगी सरकार, यह सवाल अभी भी सरकार के सामने बरकरार है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।